हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बिलो हमें एक पिक्चर दिया गया नेचुरल लार्ज हैबिटेट का सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल हैबिटेट का हमें पिक्चर दिया गया नाउ ये कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है इनटू स्मॉलर पैचेस देख सकते हैं हम लोग आगे कि ये गैप्स होते जा रहे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके वजह से एक्सपेंडिंग ओवर टाइम ड्यू टू ह्यूमन इंपैक्ट ये जो फ्रेगनेस टूटते जा रहे एक्सपैंड होते जा रहे हैं ह्यूमन so, इंपैक्ट के वजह से विच पोजेज अ ग्रेट रिस्क टू द एक्स्टेंस ऑफ स्पीशीज इन दैट हैबिटेट सो हम लोग को बताना है कि कौन से इकोलॉजिकल टर्म हम लोग यूज करते हैं फॉर सच पैच विच आर फॉर्म्ड इन एन ओरिजिनल हैबिटेट नाउ इफ ये आर टू टॉक अबाउट सबसे पहले इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन दैट विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है देन बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया वराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ जिकल ऑर्गेनिजम्स अ डाइवर्सिटी बिकॉज वो डायवर्स होते हैं बहुत सारे वेरिएबल होते हैं रीजन बायोडाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं नाउ लॉस ऑफ बायोडावर्सिटी का मतलब हो गया हम लोग एक बेसिक टर्म पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट एक्सटिंकशन ऑफ़ स्पीशीज़ कैन बी टर्म्ड एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो अब यह जो एक्सटिंक्शन होता है स्पीशीज़ का वो उसका वेरियस कॉजेज़ है जहाँ पे अगर हम लोग कुछ कॉजेज की बात करें सो इधर दे कैन बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन जहाँ पे हम लोग किसी भी स्पीशीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अगर यूज़ कर लेते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन या फिर एलियन स्पीशीज़ इन वेजन जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई नेचुरल हैबिटैट है वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई नेटिव स्पीशीज रह रहे हैं तो अगर हम लोग बाहर से कोई स्पीशीज को वहाँ इंट्रोड्यूस कर दी तो वो जो बाहर से जो स्पीशीज लाया हुआ वो डोमिनेट कर जाएगा वहाँ के नेटिव स्पीशीज को जिसकी वजह से क्या होगा कि नेटिव स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगेंगे सो so ये एक तरीका हो जाता है फिर या फिर को एक्सटिंक्शन जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो खत्म हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो दूसरा स्पीशीज़ है वो भी खत्म होने लगेगा बिकॉज दे देवर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड अनादर जो सबसे मेन कॉज है हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इसके बारे ही बात करेंगे दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन सो हमें जो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है अबाउट द ओरिजिनल हैबिटेट जो स्मॉलर पैचेस में टूट गए हैं तो इकोलॉजिकल टर्म जो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे इस हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन नाउ ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्टली हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से ही क्या करते हैं कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसको यूज करने लगते नेचुरल हैबिटेट इज यूज फॉर आवर ओन पर्पज़ हमारे पर्पस के लिए अब हमारा पर्पस कुछ भी हो सकता है लाइक दैट ऑफ की एग्रीकल्चर करना है तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं फॉरेस्ट को हटा देते हैं या फिर पोल्यूशन हो जाता है या फिर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को हटा देते हैं जिसकी वजह से केमिकल्स जो वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं वो सब हो सकते हैं वेरियस रीजन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है हम लोग का तो उसको हम लोगों को हाउसेज बनाने के लिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए रोड्स बनाने के लिए क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं बट वी नो कि जितने भी स्पीशीज हम लोग को मिलते हैं उनका जो नेचुरल नेचुरल हैबिटेट वो ये फॉरेस्ट ही हैं अब अगर हम लोग फॉरेस्ट को लैंड्स को इस तरह से जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसको रिमूव करते सो टू टू दी इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के साथ अब अडेप्ट करने के लिए वो क्या करेंगे दे विल मूव टू अदर स्मॉलर एरिया जिसके वजह से क्या होगा कि एक छोटे से एरिया में ही सारे organism, सारे स्पीशीज आने लगेंगे जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वी वुड सी स्मॉलर पैचेस ऑफ हैबिटेट छोटे छोटे हैबिटेट्स हम लोग को दिखने लगेंगे क्योंकि बाकी जगह तो डिस्ट्रॉय हो चुका है सो so, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता है कि हैबिटेट का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन और वो फ्रेगमेंट्स में टूटते जा रहे हैं सो so, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ इकोलॉजिकल टर्म क्या यूज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वो पे फंडस्टूड दिस वन बेस्ट ऑफ लक थैंक यू